नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल द फार्मा मेडिसिन में। दोस्तों, आज हम आपको रोजोबिन गोल्ड 20 से जुड़ी सारी इन्फॉर्मेशन अपने YouTube चैनल द फार्मा मेडिसिन में देंगे और हम आपको बताएंगे कि इस दवा का उपयोग कब किया जाता है, पेशेंट्स को किन किन कॉम्प्लिकेशंस होने पर डॉक्टर इस दवा का रिकमेंडेशन करता है और पेशेंट्स को इन दवा का यूज किन इंडिकेशंस में करते हैं और पेशेंट्स को क्या क्या प्रॉब्लम होती है। तो दोस्तों, आप हमारे YouTube चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लास्ट तक देखना ना भूलें। दोस्तों, रोजोबिन गोल्ड 20 में ये ट्रिपल ड्रग कॉम्बिनेशन है जिसमें तीन दवा मिला के एक दवा का निर्माण किया गया है, जिसमें हम आपको बताएंगे रोजवास्टैटिन, एस्प्रिन एंड क्लोपिडोग्रिल कैप्सूल का क्या क्या एडवांटेज है, क्या क्या इंडिकेशन है और इसको कैसे यूज किया जाता है। दोस्तों, रोजवास्टैटिन जो आपकी रोजवास्टैटिन है वो स्टैटिन क्लास ऑफ फैमिली की दवा है, जो कि उसका इंडिकेशन क्या है, किस काम में आती है। तो दोस्तों, रोजवास्टैटिन का प्रयोग जो है वो बढ़े हुए कोलेस्ट्रॉल को कम करने के काम आता है और ट्राइग्लिसराइड लेवल को कम करके आपके हार्ट को प्रोटेक्ट करता है और हार्ट को सेव करता है। आपके आर्टरीज में जो कोलेस्ट्रॉल का डिपोजिशन होता है, कोलेस्ट्रॉल आपके आर्टरीज में जम जाता है जिसकी वजह से हार्ट अटैक आने के चांसेस बढ़ जाते हैं, वहाँ पे अगर रोजवास्टैटिन, एस्प्रिन एंड क्लोपिडोग्रिल का यूज करते हैं तो उन चांसेस को भी यह दवा कम करती है। तो दोस्तों, यह हार्ट अटैक होने वाली प्रॉब्लम्स को रोजवास्टैटिन कम कर देता है। दोस्तों, इसमें दूसरी मेडिकेशंस क्या है, एस्प्रिन आपकी एक ब्लड थिनर के रूप में काम करता है। ब्लड थिनर क्या होता है कि आपके आर्टरीज में ब्लड का फ्लो जैसे थोड़ी दिक्कत के साथ में कर रहा होगा, जैसे वहाँ पे कोलेस्ट्रॉल का डिपोजिशन हो जाता है तो कहीं कहीं पे ब्लड सही तरीके से सप्लाई नहीं हो पाता। तो एस्प्रिन क्या करता है कि आपके ब्लड में मिलके ब्लड को एकदम पतला बना देता है, जो कि जब आपका ब्लड एकदम पतला हो जाता है तो पूरे बॉडी में धीरे 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 वो सर्कुलेट हो जाता है। तो एस्प्रिन का मेन फंक्शंस जो है वो ब्लड थिनर के रूप में यूज किया जाता है, जो कि आपके पूरे आर्टरीज में ब्लड के सप्लाई में कोई दिक्कत नहीं आती है और हार्ट अटैक के चांसेस को ये कम कर देता है। लास्ट इसमें जो दवा है क्लोपिडोग्रिल आपका क्या एंटी प्लेटलेट्स मेडिकेशन है। ये आपके आर्टरीज में ब्लड का थक्का नहीं बनने देता है, जिस वजह से हार्ट अटैक और स्ट्रोक के चांसेस कम कर देता है। क्लोपिडोग्रिल एक अच्छी मेडिकेशंस है टू प्रिवेंशन ऑफ ब्लड क्लॉट्स, जो कि आपके ब्लड में ब्लड क्लॉट्स को कम कर देता है और रोक देता है, जिसकी वजह से हार्ट अटैक के खतरे कम हो जाते हैं और आपका हार्ट जो है वो आने वाले फ्यूचर कॉम्प्लिकेशंस से प्रोटेक्ट हो जाता है और इन सारी दिक्कतों से दूर हो जाता है। तो दोस्तों, रोजवास्टैटिन, एस्प्रिन और क्लोपिडोग्रिल का क्या क्या इंडिकेशन है, किन किन चीज़ों में इन दवा का उपयोग करना चाहिए या डॉक्टर किन किन चीज़ों में इस दवा का उपयोग करते हैं। दोस्तों, इसका पहला जो मेन इंडिकेशन है, जैसे कोरोनरी आर्टरी डिजीज। कोरोनरी आर्टरी डिजीज मतलब आपका कहीं पे प्लेक फॉर्मेशन कोरोनरी आर्टरीज में होता है, वहाँ पे कोलेस्ट्रॉल का डिपोजिशन होता है, तो वहाँ पे इस दवा का उपयोग किया जाता है। दूसरी बीमारी जो होती है एंजाइना की होती है। क्या होता है, कुछ पेशेंट्स में दो तरीके का एंजाइना होता है, एक स्टेबल एंजाइना होता है, एक अनस्टेबल एंजाइना। तो एंजाइना के पेशेंट्स में सर्टेन क्या होता है कि चेस्ट पेन होने लगता है, तो वहाँ पे भी ये इस दवा का उपयोग किया जाता है और चेस्ट पेन से पेशेंट्स को रिलीफ मिलता है। तीसरा इंडिकेशंस जो है वो हार्ट अटैक के मामलों में, कुछ पेशेंट्स को एक बार हार्ट अटैक हुआ रहता है तो इस दवा का उपयोग किया जाता है, तो आने फर्दर हार्ट अटैक्स जो होते हैं वो डिले हो जाते हैं या नहीं होते हैं, तो इस दवा का उपयोग उन मामलों में किया जाता है। और चौथी जो है वह है स्ट्रोक। स्ट्रोक में भी इस दवा का उपयोग किया जाता है। दोस्तों, इसके डोजिंग के ऊपर आते हैं, आपको इसको कैसे यूज करना है या आपको इसको कैसे लेना है। तो दोस्तों, दिन में आपको एक बार
रोज़ोबिन गोल्ड 20 को लेना है, और ये आपके पूरे दिन को, आपके पूरे दिनचर्या को मेंटेन करके रखेगा। तो रोज़ोबिन गोल्ड आप कभी भी सुबह, दोपहर, शाम आप एक बार इस दवा का उपयोग करें, और 24 आवर्स में ये दवा आपको काम करती रहेगी। दोस्तों, इसके कुछ कॉमन साइड इफ़ेक्ट्स हैं। जब इस दवा का हम उपयोग करते हैं तो पहली प्रॉब्लम्स जो हमको आती है उसको बोलते हैं गैस्ट्रो इंस्टेंटाइनल डिसफंक्शन। थोड़ा पेट से रिलेटेड प्रॉब्लम हो जाती है, गैस, कब्ज, एसिडिटी की प्रॉब्लम्स आती है, तो डॉक्टर जो है वहाँ पे आपको PPI रिकमेंडेशन करता है, मतलब प्रोटान पंप इनहिबिटर आपको लिखता है। सुबह आप खाली पेट उसको यूज कर लीजिए और इन प्रॉब्लम्स से आपको दूर रखेगा। पेट में थोड़ा सा सूजन टाइप का रहता है, कब्ज में रहता है, सीने में थोड़ा सा जलन रहती है, दस्त टाइप की, इन सब कॉमन साइड इफ़ेक्ट्स इन दवा के साथ में रहता है। अगर आप दवा बंद कर देते हैं तो ये कॉमन साइड इफ़ेक्ट्स जो हैं वो दूर हो जाते हैं और आप को कोई प्रॉब्लम ऐसी नहीं होती है। दोस्तों, रोज़ोबिन गोल्ड 20 जो है वो मेडले फार्मास्यूटिकल द्वारा बनाई गई मेडिकेशंस है, जो कि मार्केट में इजीली अवेलेबल है। आप डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन पे इसको यूज कर सकते हैं। आप अपने सजेशन के हिसाब से इस दवा का उपयोग मत करें, क्योंकि ये एक हार्ट अटैक और हार्ट से रिलेटेड प्रॉब्लम या कार्डियक अरेस्ट जैसे प्रॉब्लम्स में यूज की जाने वाली मेडिकेशन है। आप ऐसे अपने सजेशन के हिसाब से इसको यूज़ मत करें। दोस्तों, इसके कंपोजिशंस के ऊपर आते हैं कि किन दवा का क्या क्या कंपोजिशंस है, कितने मात्रा में ये मिला के यूज की गई। तो दोस्तों, इसमें एस्प्रिन जो है वो 75 mg में है, रोजुआ स्टैटिन जो आपकी है वो 20 mg में है, और क्लोपिडोग्रेल जो है वो 75 mg में मिला के बनाया गया है। दोस्तों, अगर वीडियो आपको पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो दूसरों को भी भेजें, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी सर्कुलेट हो सके। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग आवर वीडियो।